भगवान की एक इमेज जो है, कृष्ण भगवान अगर मुझे सपने में भी देख रहे हैं तो मैं बाबा दिखते हैं। में से अगर आपको राम ढूंढना होगा तो कौन होगा, आप दोनों को आंसर करना है। सोच है एक्चुअली सच्ची में, मतलब उसी आ गया। नहीं तो इतना सवाल ही है, मैं सवाल समझ गया। बहुत सही है बजरंगी भैया, एकदम परफेक्ट कैरेक्टर। इंटरेस्टिंग बातें चल रही हैं। लास्ट में आपके साथ बहुत एक डिकोड माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स राउंड करता हूं। If Pratik is Ravan and Anrita is Sita, who would be following? Industry में से अगर आपको राम ढूंढना होगा तो कौन होगा, आप दोनों को आंसर करना है। अच्छा, प्रतीक के लिए डिफिकल्ट नहीं है, वो बहुत अच्छे रैपिड राउंड खेलते हैं, मैंने पिछली बार देखा है। मेरे लिए टफ है। ये सोच है एक्चुअली सच्ची में, मतलब उसी आ गया। नहीं तो इतना सवाल ही है, मैं सवाल समझ गया। सवाल मेरा कंसर्न कुछ और है। सो चलिए मैं तो बोलूंगा कि अंकुर विकल जो कि फिल्म में भी है वही वही सही है। हनुमान जी हमारे राजेश शर्मा जी बहुत सही है बजरंगी भैया, एकदम परफेक्ट कैरेक्टर। सो ये जो टोली है ना पूरी, वो जो सी स्टेज जो वर्क करता है ना, स्टेज कैसे वर्क करता है कि जो लोग परफॉर्म करते हैं ना उनके सेकेंडरी रोल्स भी होते हैं बैक स्टेज। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप परफॉर्म करें, तो हमारे कैरेक्टर्स भी डिजाइन वैसे ही है कि वो उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस के अकॉर्डिंग वो बाकी काम भी करते हैं। ना सिर्फ ये अच्छे डायरेक्टर हैं लेकिन अच्छे ओरेटर भी हैं, कमाल की बातें करते हैं। ऐसे ही थोड़ी कोई नरेशन करेंगे। अभी विभीषण का बताइए। विभीषण कौन हो सकता है इंडस्ट्री में से? आप जी सर, आप मुझसे ज्यादा राम जानते हो। सो बाहर मतलब फिल्म को छोड़ के अगर बताऊं तो शरद केलकर जी। अच्छा कमाल है। कृष्णा? कृष्णा मेरा बहुत ट्रस्ट में ही मैं महेश बाबू फॉर मी, मतलब देख सकता हूँ मैं कि कृष्णा उसमें मुझे दिखते हैं। भगवान की एक इमेज जो है, कृष्ण भगवान अगर मुझे सपने में भी देख रहे हैं तो महेश बाबू दिखते हैं, प्ले कर सकते हैं। हार्दिक की कास्टिंग कमाल की है, मतलब एक जोहरी आपने एक हीरा पकड़ा हुआ है, दूसरी तरफ से फिर आपके जोहरी वाले। मैं बहुत अटैच हूँ माइथोलॉजी, मैं बहुत आस्तिक आदमी हूँ। सो मुझे पता है कि क्या चीजें इन टर्म्स ऑफ सी कंट्रोवर्सी भी जो हो रही है, मुझे मुझे हंसी आती है कई बार कि ये चीजें है ही नहीं जिस पे हम बातें कर रहे हैं। राधा? राधा कौन हो सकता है? ओके, आखिर में मीरा कौन होगा? मीरा के लिए भी मैं थोड़ा बाहर निकल रहा हूँ। नाइस। दूसरों मतलब आप लोग से बात करके ना ऐसा लगता है कि वक्त कम पड़ जाएगा, क्योंकि प्रतीक से जितनी बात करो फिल्म्स के बारे में, उनके क्राफ्ट के बारे में, और मुझे लगता है कि आप भी उससे कम नहीं है बल्कि बराबर के जानकार हैं। और मुझे लगता है जब ये 1 अक्टूबर को फिल्म आएगी बड़े पर्दे पर, तो लोगों का जैसे अभी इनके लास्ट प्रोजेक्ट को इतना दिल खोल कर प्यार मिला था, इसको भी उससे ज़बरदस्त प्यार मिलेगा। और जितनी भी जो विवाद है फिल्म को लेकर, बड़ी सावधानी से आप दोनों ने रखा, उम्मीद करते हैं कि लोगों के दिल तक ये बात पहुंची होगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।